Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप अगर देखेंगे क्या होते हैं, अगर एंगल ए और एंगल सी दो एंगल में कोई लेट लू, लेट एंगल ए और एंगल सी का सम कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल और ए एंड सी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल अपने क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और इसमें मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री है स्टूडेंट। एंगल ए को क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस एंगल सी, एंड एंगल सी को क्या लिख सकता हूँ, अगेन 90 डिग्री माइनस एंगल ए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री। अब जरा देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में क्या। यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल में मैंने क्या लिया, ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर बी पे मैंने क्या ले लिया, राइट ट्रायंगल जो है फॉर्म। तो अब एंगल ए हमारा क्या लिख सकते हैं, एंगल ए जैसे मैंने आपको बताया 90 माइनस सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए एंड सी क्या होंगे, ए एंड सी का सम 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जो थर्ड एंगल है वो ऑलरेडी 90 है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। क्यों, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 में से बी तो 90 डिग्री हो गया, तो बाकी बचे दो एंगल 90 डिग्री के, यानी कि ए एंड सी इस ट्रायंगल में कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा एंगल सी को मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन एंगल सी को मैंने बताया था हम ये लिख सकते हैं, तो ये मैंने लिखा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट। नाउ स्टूडेंट अब यहाँ पे अगर मैं आपसे निकालूं साइन 90 माइनस ए कौन सा एंगल है, 90 माइनस ए ये वाला एंगल आपका, दिस एंगल। सो 90 माइनस ए इसके रेस्पेक्ट में, 90 माइनस ए के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें, मैं इसे ग्रीन से कर देता हूँ, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये वाली बेस एंड ये वाला हाइपोटेन्यूज। और जब मैं यहाँ पर इसको ये वाला ये यूज कर रहा हूँ, इसे मैं क्या करूंगा, एंगल है यानी कि 90 माइनस एंगल सी के, दिस एंगल इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो ये मैंने दोनों एंगल के रेस्पेक्ट में, एक 90 माइनस ए और एक 90 माइनस सी के रेस्पेक्ट में लिखा है। तो जब हम बात करते हैं 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए क्या होगा, कॉस ए। क्यों होगा कॉस ए स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या है, ए बी बाई ए सी, ए बी यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए के रेस्पेक्ट में ए बी आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए सी, तो ए बी बाई ए सी। और अगर हम यहाँ माने ए के रेस्पेक्ट में देखें, ए बी बाई ए सी क्या है ए के रेस्पेक्ट में, अगर मैं यहां निकालूं साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन ऑफ ए हो जाएगा दिस, ए के रेस्पेक्ट में सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, साइन ऑफ सी अगर मैं निकालू, सी के रेस्पेक्ट में सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी। तो आप देख रहे हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू दिस इज कॉस ए, ये कॉस ए के बराबर है हमारा दिस। अच्छा नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं कि अगर मैं क्या निकालूं कॉस 90 माइनस ए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन ए के आएगी। 90 माइनस ए यहाँ पे कौन सा एंगल है, सी है, तो कॉस सी के रेस्पेक्ट में आपका बेस क्या होगा, बेस बी सी होगा, हाइपोटेन्यूज ए सी होगा, वही बी सी बाई ए सी। और साइन ए के जब निकालेंगे तो बेस यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा एंड परपेंडिकुलर बेस, तो इसीलिए आप देख रहे हैं ये रिवर्स वैल्यू एक आ रही। सिमिलरली स्टूडेंट जब टेन 90 माइनस ए निकालेंगे यानी कि सी के रेस्पेक्ट वाला, तो वो कॉट ए के बराबर आएगा, और जब आप कॉट 90 माइनस ए निकालेंगे तो टेन ए के रेस्पेक्ट। नाउ कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए के रेस्पेक्ट इक्वल आता है एंड सेक 90 माइनस ए कॉस ए के इक्वल आता है। तो ये थे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मैं आपको और डिटेल में यहाँ पे बता देता हूं। अगर थीटा के रेस्पेक्ट में ले साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा के इक्वल, और वहीं पर स्टूडेंट अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा लू, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा के इक्वल। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम यहां पे लें सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा के इक्वल, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है यहाँ पे, वो सेक थीटा के इक्वल होता है। नाउ स्टूडेंट इसके अलावा अगर आप निकालें टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस एंगल वो कितना होता है, 90 माइनस ऑफ टेन एंगल इज कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, वो टेन थीटा। तो ये हमारे क्या थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और आप इन रिलेशंस को जो है यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे जहां पर इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन को यूज करेंगे। सीधा एग्जांपल,